पीके इंग्लिश गुरुजी के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्प यानी बचाओ, हेलो मतलब नमस्ते नमस्कार, गॉट इट मतलब समझे कि नहीं, आई एम ओके मतलब मैं ठीक हूँ, कम इन अंदर आ जाओ, गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, गो अवे चले जाओ, गुड बाय खुदा हाफिज, वेलकम आपका स्वागत है स्वागतम, हैव फन मज़े करना या मौज करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आई फॉरगेट यानी मैं भूल गया, मैं भूल गई। इल पे मतलब कि मैं पैसे दूंगा। आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। आई एम फुल मेरा पेट भर गया। लेट्स गो चलो चलें। आंसर मी मुझे जवाब दो। बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते हैं। एक्सक्यूज मी माफ़ कीजिए, ये चार पांच लोगों के बीच में एक्सक्यूज मी कहा जाता है। आई फियर सो खेत की बात या लेकिन वैसा ही है। आई लव्ड यानी मैं हंसा। आप लोग इसे चाहें तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आप लोग बहुत छोटा सा लैंग्वेज है इंग्लिश में, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। आई एम बोरिड मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम ब्रोके मेरा दिवालिया हो चुका है। आई एम थर्ड मैं थक गया हूँ। इट्स कोल्ड ठंड हो रही है। हु नाउ कौन जाने, किसको पता या किसे पता। इसमें बहुत सारे हिंदी के वर्ड दिए, मतलब हिंदी में सब दिया गया है ताकि आप लोग को समझ में, इसका अर्थ जो है बताया गया है कई तरीक़ों से, कई सेंटेंस का जो है मतलब बताया गया है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो कोई भी हो तो आप लोग को तुरंत मिल सके। बर्ड्स सिंग पक्षी गाते हैं। बर्ड्स सिंग मतलब पक्षी गाते हैं। कम ऑन इन अंदर आ जाओ। डोंट मूव हिलो मत। फायर बर्न्स मतलब आग जलाती है। फॉलो हिम उसका पीछा करो। फॉलो हिम मतलब उसका पीछा करो। ये आप लोग को, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं ताकि आप लोग को। आई एम थर्ड मैं थक गया हूँ। आई कैन स्विम मुझे तैरना आता है। आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूँ। आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। आई एम कमिंग मतलब मैं आ रहा हूँ। आई एम हंग्री मैं मुझे भूख लगी है। लेट मी आउट मुझे बाहर जाने दो। वंस अगेन एक बार। प्लीज सीट बैठिए। व्हाट्स न्यू क्या नया है या नया क्या है। हुज़ दैट वह कौन है। डोंट डोंट स्टार्ट।